जिनको शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया था, ये वही गंगा मैया है जिनने सगर राजा की 60,000 ब्रह्मदंड दग्ध पुत्रों की भटकती हुई आत्मा को चतुर्भुज रूप देकर भगवत राम पहुंचा दिया, जिनकी हड्डी भी नहीं बची थी, जिनकी शरीर की केवल भस्मि शेष बची थी, तो किसी मृतक के शरीर की भस्मि को भी गंगा मैया अपने जल से छू दे तो उसको भगवत राम गिरा देती है, और जो प्राणी जीवित रह करके गंगा मैया का आश्रय प्रश्रय करेगा उसका कल्याण तो नहीं होगा। सुखतीर्थ कहलाता है उषा बिछा कर गंगा जी के मुंह करके बैठ गए और संकल्प किया कि जिस शरीर ने संत का अपमान किया है इस शरीर को न भोजन देना है और न पानी देना है, अनशन व्रत लेकर के और बैठ गए। अनशन इस समाचार को सुन सुनकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आने लगे। क्यों? ऋषियों की, मुनियों की, संतों की जीवन भर सेवा करी है परिचित ने, तो आज इन संतों ने भी अपना कर्तव्य समझा है। उन्होंने परीक्षित ने हम लोगों को शरीर की खुराक दी है, हम लोगों की सेवा की है, तो हम परीक्षित को आत्मा की खुराक देंगे। पूछा जाए संतों से, बाबा इतने बड़े बड़े आयोजन क्यों कराते हो, तुम्हें क्या गर्व है कि जगह कहीं बैठे खान भजन चिंतन करते, बेटा हमें भूख लगती है तो रोटी तो तुम्हें पहुंचाते हो, क्योंकि हमारे यहाँ खेती तो है नहीं, नौकरी और कोई कारखाना तो है नहीं, तो तुम हमें रोटी देकर शरीर की खुराक देते हो, तो हम इस भजन सत्संग के द्वारा तुमको आत्मा की खुराक देते हैं। परस्पर भाव एवं श्रेयर पर संतों ने अपना कर्तव्य सोचा कि जिस परीक्षित ने जीवन भर हमारी सेवा की है अंतिम समय में हमारा कर्तव्य करकर उसको संभाल दे, ताकि उसका फल हो, ताकि उसकी संगति बन जाए, ताकि उसका परम कल्याण हो जाए। उन संतों को वो आया देखकर, अच्छे अच्छे संत आए हैं, विश्वविख्यात विश्व संत लोग आए हैं, शिरोमणि शिरोमणि लोग, अत्रिर्वशिष्ठ च्यवन सर्वान् अरिष्टनेभिर्विदुरङ्गिराश्च पराशरो बाधिसुतोऽथ राम प्राप्स्यन्त परशुराम जी उत्तत्य इन्द्र प्रमदे दुर्वारौ भाग्यशाली बता रहे हो। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान ऊपर से देखने में सांप जैसा लगता है, लेकिन मुझको लगता है कि सांप की इंडिया में भर कर प्रभु का अनुग्रह आया है। कैसे? बोले जब तक सांप नहीं मिला था तब तक कितनी संख्या में ऐसे ऐसे संत हमने हमको कब दर्शन देने आए थे, ये सांप का प्रभाव है जो आज कितनी संख्या में ऐसे ऐसे संत लोगों ने आकर के दर्शन दिए। जिस छाप के प्रभाव से संत मिले, संत दर्शन मिले, संत सेवा का अवसर मिले, वो छाप नहीं हो मेरे लिए अनुग्रह है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ आप लोग मेरा लिए। और साधन साध्य की दिशा में किसी का विचार था कि इनसे यज्ञ करवाया जाए, किसी का विचार था कि दान करवाया जाए आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन परीक्षित जी ने अपनी तरफ से निर्णय दिया, बोले की
हाय सर आएगा, हाय काटेगा, हाय मौत होगी, ये सब चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि हाय सर, हाय शरीर, हाय मौत, ऐसी चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं है। इसलिए अरे दीजिए सर, सुबह का स्वागत करूंगा, रक्त छिड़काएगा तो तब मोट गया तुम तृतीयरा गंगा चेवी दृपचित्री से जिसने मेरी माँ के पेट में मेरी रक्षा की थी, तो प्रभु उसके अलग नहीं से और काटे शरीर को काटेगा, शरीर प्रारंभ के अधीन है, शरीर अपनी गति को ना जाना हो जाएगा, लेकिन मेरा तो कल्याण हो चुका आप लोगों के आगमन से, गंगा जी के आश्रय से और भगवत प्रेरणा से। अब इधर उधर की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, गाय कृष्णा का भगवान की गाथा सुनाइए, भगवान की चर्चा सुनाइए, हो गया साधु 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 साधे का निर्णय। गाय कृष्ण गाथा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, हम लोग भी गाय ऐसा निर्णय में कई लोग फिसल जाते हैं। हाँ अंतिम सुनाता है तो कोई कहता है जरा डॉक्टर को बुला दो, जरा हमको जिसलो अस्पताल में ले चलो, हमको अपोलो अस्पताल में ले चलो, कोई कहते हैं जरा कार लेकर मेरे लल्ला को बुला दो। लेकिन परीक्षित की कितनी सुंदर भेड़ होती है, अंतिम समय में बहुत कुछ नहीं की और गाय मुस्कुरा था, भगवान की चर्चा सुनाओ, संत में भगवंत में कितनी आस्था है इसकी, सचमुच में परीक्षित में भाग्यशाली है। ये तो निर्णय हो गया गाय मुस्कुरा था, भगवान की कथा सुनाइए, अब कौन सुनावे इसका निर्णय होना था। सब तो सुनाने वाले विश्वामित्र जी आदि आदि राष्ट्र काम जी को कथा सुनाते रहे, कहते कथा इतिहास पुरानी रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। श्री वशिष्ठ जी रोज सवेरे कथा सुनाया करते थे, प्रातः काल सरयू कई मज्जन भय कई सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानी सुन राम यद्यपि सब जाने। उस वशिष्ठ को वशिष्ठ जी भी विराजमान है, वशिष्ठ जी के पौत्र पराशर जी विराजमान है, पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी भी विराजमान है, सब को सुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसे अभिमान नहीं है कि सबसे गरीब तो सब चुप रहो हम केवल बोले हैं। नहीं, ये ऋषि लोग जानते हैं हर बरात का दूल्हा एक ही व्यक्ति नहीं हुआ करता है, हर सभा का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं हुआ करता है, किसी सभा का अध्यक्ष कोई, किसी सभा का अध्यक्ष कोई, किसी बरात का दूल्हा कोई, किसी बरात का दूल्हा कोई, इसी तरह से परीक्षित वाले अंतिम सभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो ये पूर्व निर्णित है। व्यास तात्मो मुनिर व्यास सुतारसौ क्योंकि का श्री विग्रह का रंग है, बुरे बुरे बिखरे हुए
ऐसे दिगंबर और रूप विश वाले श्री वहां पर आ गए। कुछ बच्चे कुछ औरतें पर ध्रुव उड़ा रहे थे, पगला जा रहा, नंगा देख करके पगला जा रहा, लेकिन स्वरूप को नहीं समझते थे। लेकिन इसकी परवाह श्री शिवलिंग को नहीं थी, वो आए और उनको देखते ही सभा में जितने लोग बैठे थे, राज दरबार वाली सभा नहीं, गंगा किनारे की सभा, सब उठ के खड़े हो गए, उनका आदर करने लगे। हाँ, सभा में यानी शिरोमणि का आदर है। श्री परीक्षित उनका प्रबंधन अभिनंदन किया और उनके व्यासासन पर इनको स्थान दिया गया, उनका पूजन किया गया। पूजन का विधान श्री सरसिहारी श्री महाराज जी करेंगे और पूजन के साथ साथ श्री सुखदेव जी की आरती भी होगी। तब तक आप लोग प्रभु का नाम संकीर्तन शुरू कर ले। हरे राम Yeah.
महाराज की जय, सतगुरु भगवान की जय, आचार्य मामा जी महाराज की जय, जय और लोग भी यदि सोचे कि मेरा परम कल्याण कैसे हो तो उनके लिए आज मैं निर्णय करा लेना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति के दरवाजे पर तो सुखदेव जी नहीं जाते, हर व्यक्ति की सभा में वशिष्ठ और व्यास और पराशर विश्वामित्र प्रबोधन जी तो नहीं जाते हैं। तो और लोगों के मन में होगी जानने की कि परम कल्याण के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जिज्ञासा करता हूँ, अतिक्षा परम गुरु पुरुष श्रोतव्यम अथो जप्यम यह कर्तव्यम मृणी प्रभो ये स्मर्तव्यम मरणीयम विपर्यम। जो परम कल्याण चाहता हो, परम कल्याण मान भगवत प्राप्ति, स्वर्ग का विमान और अप्सरा पाने में परम कल्याण नहीं है। हाँ, स्वर्ग परम कल्याण में भगवत प्राप्ति। तो परम कल्याण चाहने वाले को क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ऐसा साधन मत बताइएगा जिसमें कि अधिकारी और अनधिकारी का भेद भी होना करना पड़े। हाँ, बहुत साधन ऐसे होते हैं जिसे ब्राह्मण तो कर सकेंगे, शुद्ध नहीं कर सकेंगे, पुरुष कर सकेंगे, स्त्रियां नहीं कर सकेंगी, बड़े बूढ़े कर सकेंगे और एडल्ट्स ओनली, बच्चे नहीं कर सकेंगे, धनी लोग कर सकेंगे, गरीब नहीं कर सकेंगे, पहलवान लोग कर सकेंगे, रोगी लोग नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के लिए मनु जी ने 28,000 वर्ष तप करके हड्डी सुखाई, भगवान की प्राप्ति हुई, कलिकाल आ गया है मनु जी, अब 28,000 वर्ष तपस्या की सलाह कोई दे तो जिनके 28 मिनट की जिंदगी का ठिकाना नहीं, वो 28,000 वर्ष तपस्या कैसे करेगा। 100 मन गुड़, 100 मन तिल, 100 मन जौ, 100 मन चावल, 100 मन गाय का शुद्ध घी हवन करो, बोले 100 छकान उधर कुंड में डालने का ठिकाना नहीं हो, गरीब 100 मन हवन कहाँ से करेगा, जमीन कहाँ से करेगा, योग साधो, आसन साधो, इसको लकवा मार गया है बेचारे को, करवट बदलने की ताकत नहीं, योग साधना कहाँ से करेगा, अनपढ़ व्यक्ति वेद पूजाओं को कहाँ से सही सही उच्चारण करेगा। और साधनों में अधिकारी अधिकारी की अपेक्षा होती है। ऐसा साधन बताइए जिससे हर तबके के लोग कर सके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ मानप्रस्थी सन्यासी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े धनी गरीब मूर्ख विद्वान रोगी पहलवान अल्पायु दीर्घायु यहाँ तक की मुरीमान से सर्वथा, जो सर्वथा मुरीमान मौत के कगार पर खड़ा है उसे भी अगर जिज्ञासा हो कि अपना परम कल्याण प्राप्त करो उसके लिए क्या करना चाहिए, आसानी से कर सके और परम कल्याण की प्राप्ति हो, सब कर सके, हर हालत में कर सके, आसानी से कर सके और परम कल्याण की प्राप्ति हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। ओ इतना सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित ने, दिख गए, रीझ गए श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी का नियम है, भरसक किसी गृहस्थ के दरवाजे पर जाते नहीं, कदाचित निकल भी गए तो इतनी देर ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दोही जा सकती है, इससे अभी कहीं ठहरते नहीं है, नियम है। लेकिन आज परीक्षित के इस सब लोगों को पुकारने की जिज्ञासा पर इतने प्रसन्न हुए, बोले कि परीक्षित अब तो मैं तेरे साथ 7 दिन रहूंगा और तेरी जिज्ञासा का उत्तर दूंगा। बहुत बढ़िया प्रश्न तुमने किया है, और 7 दिन रहूंगा ही क्यों, अरे 7 ही दिन की जिंदगी है और 7 दिन रहूंगा तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि तो जिंदगी पर तेरे साथ रहूंगा। इतनी सुंदर तुमने जिज्ञासा की है, मुझे धन मिले, मुझे पुत्र मिले, मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले,
मुझे स्वर्ग मिले, मुझे मोक्ष मिलेंगे, मुझे वाली बीमारी तेरे पास नहीं है। प्राणी मात्र का जिससे कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ जातीयता और पार्टीयता का कोई संकीर्ण भेद नहीं है। प्राणी मात्र का जिससे परम कल्याण हो, इसी जिज्ञासा की मिलती है। अब तक आप लोग प्रथम स्कंध की कथा सुन रहे थे, अब द्वितीय स्कंध में आपका प्रवेश होने जा रहा है। प्रथम स्कंध में श्री परीक्षित जी का प्रश्न हो चुका है, अब द्वितीय स्कंध में श्री शुक्रदेव जी इसका उत्तर दे रहे हैं। द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में परीक्षित जी के प्रश्न का अभिनंदन करते हैं। वरी आदेश के प्रश्न कृतो लोके कुं निरप आत्मन सम्मता कुं साम श्रोतव्यादिशुये परः। रणन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कोई सुन ले, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के अनुसार कोई आचरण करने लग जाए, फिर तो कल्याण का कल्याण में संदेह क्या। मैं तो कहता हूँ कि श्रोतव्य कर्तव्य जितने भी काम हो सकते हैं उनमें परम श्रोतव्य परम कर्तव्य तुम्हारा प्रश्न ही इतना श्रेष्ठ है कि तुम्हारे प्रश्न ही को कोई सुने, तुम्हारे प्रश्न ही को कोई बोले, तुम्हारे प्रश्न ही को कोई सोचे, तो उसका परम कल्याण हो करके रहेगा। इतना समीचीन सुंदर तुमने प्रश्न किया है। वैसे कुराजन श्रोतव्य आदि राजे नृणाम संत शास्त्र संसार का इतना विस्तार है राजन कि और सुनने वाली, देखने वाली, सोचने वाली, बोलने वाली इतनी बातें हैं कि इस मनुष्य की जिंदगी में कोई क्या पूरा पार सकेगा। देवताओं सभी की आयु लेकर सैकड़ों जन्मों तक देखते, सुनते, सोचते, बोलते रहेंगे तो भी संसार अधूरा ही देख पाएंगे, सोच पाएंगे, बोल पाएंगे। लेकिन संसार में कई तरह के लोग होते हैं। एक तो वे होते हैं जो जिंदगी तो मिली हजारों हजारों वर्षों की, लेकिन व्यर्थ गवा दिया। कैसे? उम्र की इसी श्लोक का अनुपूर्ण भाव कवि बाबा ने दुनिया अनुपूर्ण कहती है इनको, और इस पूरे श्लोक का अनुपूर्ण भाव एक दोहे में कवि जी ने अनुवाद कर दिया। जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ऐसी केवल रात सोने में और दिन कमाने और खाने में गुजार दिया, ऐसी हजार हजार लाख लाख वर्ष की आयु किसी काम की नहीं। लेकिन वो समझदार, सावधान संतों के, सत्पुरुषों के, सत्शास्त्रों के लाडले प्यारे दुलारे कोई सज्जन होते हैं, वो थोड़ी सी जिंदगी का भी बहुत बढ़िया ढंग से उपयोग करके अपनी जन्म जन्मांतर की जो युगांतर की और कल्पांतर की समस्या का हल कर लेते हैं इतनी देर में। इसके लिए क्या करना चाहिए तो यही तो जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। समस्त आत्माओं की आत्मा जो भगवान है, जिनको कोई श्री हरि, कोई परमात्मा, कोई भगवान इन नामों से पुकारते हैं, उन्हीं के संबंध में कानों से श्रोतव्य, वाणी से कीर्तितव्य और मन से स्मर्तव्य। इसी श्लोक का आनुपूर्णिक भाव गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक अदारी में प्रस्तुत किया। राम ही सुमेरी आई राम Thank you.
यज्ञ सब नहीं कर सकते हैं, धन लोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान का गुणगान सब कर सकते हैं। अब कहेंगे जीवन हो तो कहते कि का कोई गा रहा हो दुकान से सुनो बैठ करके, और कोई गाने वाला भी नहीं मिला, कोई सुनने वाला भी नहीं मिला, तो एकांत में बैठ करके स्मरण करो। ये ऐसे साधन है कि भगवत गुणगान श्रवण, भगवत गुणगान कीर्तन, भगवत को स्मरण, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी ग्रस्त बालप्रस्थी सन्यासी धनी गरीब मूर्ख विद्वान रोगी पहलवान सभी तबके के लोग कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई कहे कि इसके अतिरिक्त कोई योग साधने में लगा है तो, कोई सांख्य विचार विमर्श में लगा है तो कहते हैं कि उनको भी अंत में इसी पर आना पड़ेगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाल प्रथम संपत्ते नारायण स्मृति ही अंते नारायण स्मृति। इसके अंत में बोले तीर्थांते नारायण स्मृति, व्रतांते नारायण स्मृति, योगांते नारायण स्मृति, जपांते नारायण स्मृति, समस्त साधनांते जीव नारायण स्मृति, और सबसे बड़ी स्मृति जीवनांते नारायण स्मृति। जीवन के अंतिम समय में हम चारों धाम कर आए हैं, तो चारों धाम करने से आपके मन में अहंकार का अंकुर सृजन हुआ है कि भगवान की याद ज्यादा आने लगी है। भगवान की याद ज्यादा आने लगी है तब तो आपका तीर्थाटन सार्थक है, और अहंकार में चढ़ बैठा है कि हम तो चार धाम कर आए हैं, तो सात कुल देख आए हैं, और केवल अहंकार और अपनी शान बढ़ाते फिरते हो, तो तब तो समझो कि तुम भटक रहे हो। कभी साधनांते नारायण स्मृति, जीवनांते नारायण स्मृति। गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में कहा, बलो जो है कोच जो है दारी लो जो काम रे, बलो जो है सभी को काम रे, राम नाम सभी को काम रे, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, बलो जो है कोच जो है ताई नोंद काम रे, बलो जो है कोच जो है ताई नोंद काम रे, राम नाम ही सो अंत परीक्षित। अपने लिए बताते हैं, मैं पहले निर्गुणिया था, मैं पहले अपने को ब्रह्म मानकर अहम ब्रह्मास्मि और अकेले में अपने स्वरूप में रमण किया करता था, लेकिन ठाकुर जी के मुरावली का वर्णन करने वाले दो श्लोक मेरे कान में पड़े, मेरे पिताजी द्वारा भेजे हुए श्रीमद् भागवत के श्लोक, इन दोनों श्लोकों ने मुझे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, और अब मैं गृही चेता हो गया हूँ, अब मैं निर्गुणिया नहीं, अब मैं सगुणिया हो गया हूँ। अकेले में भी जैसे जानवर पहले खा लेते हैं और एकांत में बैठ करके मुंह चला चला कर उसको जुगाली करना कहते हैं, चरवण करते रहते हैं, इसी तरह से वे घास भूसा की जुगाली करते होंगे और मैं श्रीमद् भागवत के श्लोकों की जुगाली करता रहता हूँ। क्यों बोले इत्थम रूप मोह हरि, इत्थम रूप मोह हरि, भगवान वही ऐसे है। इदम भागवत नाम प्राण संतम अधितवान द्वापरा पितुर नहीं पाएगा। मैंने अपने पिता देव व्यास जी से पूरी भागवत विधिवत पढ़ी है, अध्ययन किया है,
भागवत की कथा सुनाऊंगा और पूरी भागवत का सार क्या है वो भी एक श्लोक में यही लगे हाथ सुना रहे हैं। बोले एतन निर्विद्यमानानां कृच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नित्यनिमित्तं हरेर्नामानुकीर्तनम् 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 प्रभु के नामों का अनुकीर्तन। कोई कोई अपने साधन और सिद्धाई की पकड़ में आकर बोलते हरे हरे रामा हरे कृष्णा ने क्या रखा है, ये तो प्राइमरी साधन है, प्राइमरी साधन है। कहते हैं धोखे में हो यार, तुम कितने बड़े अपने को सिद्ध मानो, तुम धोखे में हो। भगवान नाम स्मरण को, भगवान नाम कीर्तन को तुम प्राइमरी साधन बतलाते हो तो तुम प्राइमरी से भी नीचे अभी पड़े हुए हो। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि बोल रहे हैं, व्यास वशिष्ठ पराशर गौतम विश्वामित्र की सभा में बोल रहे हैं और ये कह करके न तो मया अधुना निर्णयते, आज मैं निर्णय कर रहा हूं नहीं, योगना अमृत लेने कम हरे नामिंद्रो के द्वारा निर्णित सिद्धांत है भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। और उसको तुम अपने साधन और सिद्धि पने के अगर में आकर के प्राइमरी साधन बतलाते हो, प्राइमरी साधन नहीं अंतिम साधन, और अंतिम साधन नहीं बल्कि साध्य है भगवान का नाम। खबरदार इसको साधन मत कहना, साधन भी है साध्य भी है और प्राइमरी नहीं है, अल्टीमेटम है, अंतिम निर्णय है। अगर तुम प्राइमरी समझते हो तो तुम प्राइमरी से भी गए गिरे खड्ड में पड़े हुए हो। सुखदेव जी बोल रहे हैं और सब संतों की सभा में बोल रहे हैं, योगिना अमृत निर्णीतम क्या करके बोल रहे हैं, और उनसे ज्यादा जीवन भवी हो गया है आखिर काल में पैदा होकर के। आज जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के विशेष प्रवर्तक माने जाते हैं और वो कहते हैं भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लो गीता पीता सकृत पिए मुरार समझ जा तस्लिमा किम कुरते चर्चा भगवोविंदम भगवोविंदम गोविंदम भजु मूढ़ मुखे अरे मूढ़ मति गोविंद का भजंकर यही सार है। एक बुढ़ापे में कोई व्यक्ति नौकरी कर ले नौकरी कर ले नौकरी कर ले रट रहा था या करता भी सुख शंकराचार्य भगवान ने कहा कहा के रे प्राप्त सन्ने के मरने तेरा मरण काल बिल्कुल नजदीक आ गया है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसंतीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति धीरित पादुंडम तरति मुंच त्यासा पिंडम अपी को नौकरी कर ले विद्वान बनने के चरण में रहा है पर पानी पड़ जाएगा धूल पड़ जाएगी अगर अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आया। प्राप्त संधि के मरने नहीं नहीं रक्षा की टुकड़ी कर ले, ये टुकड़ी करने का सूत्र घोषते रह जाओगे जब राज पकड़ के ले जाएगा, ये टुकड़ी करने तुम्हारी इच्छा नहीं कर सकेगा। अगर रक्षा चाहते हो तो भजोविंदम 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 भजूल मती। श्री सुखदेव जी इसको साधन साध्य कर करके और निरूपण कर रहे हैं भगवान नामानुकीर्तन हरेर नामानुकीर्तन। आप लिखिए एक और उसके बाद लिखिए शून्य क्या हो गया दस, एक शून्य और दे दीजिए क्या हो गया सौ, एक शून्य और दे दीजिए हजार, सारे शून्य को जहां का तहां करने दीजिए बल्कि दस बीस और शून्य कर दीजिए और शुरू में जो एक इकाई है उसको मिटा दीजिए तो क्या बचा कुछ नहीं। इसी तरह से वह इकाई क्या है प्रभु का नाम और इतना योग जब तप तीर्थ व्रत ये सब शून्य 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 मन बेकार नहीं, उनका भी दस गुना सौ गुना हजार गुना महत्व हो सकता है यदि उसके पहले आपके जीवन में भगवान नाम की इकाई हो तो। जीवन में भगवान नाम की इकाई न रही तो चाहे रावण की तरफ तपस्या कर लीजिए और चाहे नाच करे रावण एक जागा ये भी कर लीजिए और अंत में
शून्य हाथ लगेगा। गोस्वामी जी ने दोहे में कहा कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस नून। राम गुरु मंत्र था, मेरे 20 भुजा है, मेरे 10 मस्तक है, मेरी सोने की लंका है, मैंने वेदों का भाष्य किया है, मैं 1,00,000 सवा लाख नाती है, ये है वो है सब है, पर तेरे जीवन में प्रभु का नाम है कि नहीं? अगर नहीं है तेरी पत्नी तेरे नाम पर रोक कहेगी, राम विमुख असहाल तुम्हारा आज रहा तो कुल रो निहारा। रोवनहारी तो बहुत बैठी है विद्वान लंका में, लेकिन रोवनहारा कोई नहीं बचा। और ठीक इसके विपरीत विभीषण को लात मारकर निकाल दिया गया है लंका से, निकल जा मनुकुल बस तब सिंह पर प्रीति शत्रु मिल जाए। विभीषण के पास क्या बचा था? केवल राम नाम बचा था, केवल राम नाम बचा था, वही लेकर के श्री राम के चरणों में आया। और विभीषण को क्या मिला? करेउ कल्प भरिराज तुम मोहि सुन रेउ मन माहि, कोइ मम धाम पाइ हो जहां संत सब जाहि। आज की बीमा कंपनियां प्रचार करती है, आश्वासन देती है, इंश्योर एंड बी सिक्योर, बीमा कराओ और सुरक्षित हो जाओ। भगवान जाने ये क्या सुरक्षा देंगे, शायद मरने के बाद चिता पर 25,000 चाहे 50 करोड़ ले जाकर पटक दे। पूछिए कि उससे तेरे सक्सेसर लोग शराब कबाब उगाएंगे, अरे जाने वाले तुमको क्या दिया बीमा कंपनी ने? असली बीमा कंपनी तो हमारे श्याम सुंदर की है। कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जा विभीषण की तरह, और कह दे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, उसके बाद देख क्या गारंटी मिलती है। सुन दुर्लभ सुख कर जन्माही और अंत काल रणपति पुर जाए। ये इसकी बदौलत वही राम नाम एक अंक है, प्रभु का नाम। किसी प्रेमी ने गाया है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ किसे किस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, छोड़ किसे किस पीना क्या, सोचते हैं कि हाँ हरि नाम की जरूरत तो जरूर है, लेकिन अभी जल्दी क्या पड़ी है। तो क्या सोच रहे हो? बोले बालापन तो खेल लिया खाया, और जवानी में हल हाँ क्या, बालापन तो खेल लिया खाया और जवानी में हल हाँ क्या, और वृद्ध भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। राम जी को तसल्ली देने के लिए कहते, हे राम जी अभी तो बचपन में खेल खा लेने दो, जवानी में जिंदगी का मजा लूट लेने दो, और जब बुढ़ापा आएगी वो भी कौन सी बुढ़ापा, हाथ भी कांपेंगे और गर्दन भी कांपेगी, एक गिलास पानी भी उठाएंगे तो मुंह में डालना मुश्किल पड़ेगा, और आधा पानी कुर्ता धोती पैजामा पर जाएगा, आधा मुंह में जाएगा,
ऐसी स्थिति जब आएगी तो माला ले लेंगे, राम जी आपका भी मन रख लेंगे। ऐसा लगता है कि तेरे भजन के बिना राम जी दुबले हो रहे हैं। राम जी का कुछ नहीं बनता बिगड़ता, माला फेरो चाहे जन्म में जाओ, माला फेरोगे तो अपनी बनाओगे। राम जी को क्या तसल्ली दे रहे हो, और इस भर से मत रहो। हाँ, बुढ़ापा आएगी तब देखी जाएगी, कितनों की बुढ़ापा या जवानी भी नहीं आएगी। और जाकर के असेंबली और पार्लियामेंट के दरवाजे पर हाथ मिलाप कर गए, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में मोदी के शिकार हो गए। बुढ़ापा मृत्यु बुढ़ापा और बचपन नहीं देखती है। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निवासर, हरि का नाम जपो निवासर, हरि का नाम जपो निवासर, हरि का नाम जपो निवासर। इसमें दर्श नहीं भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है। चलो घंटा दो घंटा समय दो। हरे माँ का हमारे तैयारी कहाँ भी हो रही है। लक्ष्मी ने करके और बेची ने करके बोले सोना ताऊ गर्म कुंड नहाने जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र नहाने जा रहे हैं। बोले कुरुक्षेत्र में अगर प्रभु का नाम न हो, प्रयाग में अगर भगवान नाम लेने वाले भरद्वाज जिस तरीके संत न हो तो केवल वही लोग मिलेंगे जितना नारियल दान करो, गुरु दान करो, चलो नौका परिस्पार से उस पर घुमा लाओ, वही कुकु घोसागर से पार उतार देंगे। तीर्थ में तीर्थक भगवान नाम से आता है। तीर्थ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल अनुपुंज नसावन। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय प्रभु याद में आए, अंत समय प्रभु याद में आए, काशी और मदीना का छोड़ करके जाना है। उसकी सजावट में खूब लग रहे हो, महल मकान पुलिस टेम्पल से वेपर लैंप से कार से फानुस से अलमारियों को खेल खिलौनों से खूब सजा रहे हो। शरीर को साबुन से तेल से डस्टबिन से पाउडर से क्रीम से प्लास्टिक से और मखमल से और टेरिकॉट से टेरलिन से बहुत सजा रहे हो, सोने से चांदी से हीरे से। लेकिन जो साथ जाने वाला है उसको कौन कौन चीज से सजाया है? आत्मा को क्षमा से, दया से, शील से, संयम से, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, भगवान नाम से सजाया है कि नहीं? भूषण से सब अंग सजाए, 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 रसना पे हरि नाम दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
एक सुखी राम के दास। प्रभु के होकर के रहो, प्रभु का नाम बराबर स्मरण रखो, बहुत कमाल होंगे। एक राजा हुए खटवांग, सूर्यवंशी राजा थे, दशरथ जी के भी पूर्वज थे, उनसे देवता मदद मांगने आए, हम असुरों से पीड़ित थे, हमारी मदद कर दो हम जीत जाएंगे। चल खटवांग राजा ने देवताओं की मदद की, असुरों की धज्जी धज्जी उड़ाई और उनकी जीत करा दी देवताओं की। फिर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें, आपकी कृपा से हम सुरक्षित रहे। हे अयोध्या नरेश खटवांग जी महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें। हंसे खटवांग जी, बोले क्या है देवताओं, तुम्हारे पास है क्या? सोमरस के प्याले है, विमानों की सैर है, अक्षराओं का नाच है, गंधर्वों का गान है, और पारिजात के फूल है, नंदन मन की सैर है, सब विषय है, किंतु भोगते भोगते कमजोरी आ जाती है, और जो तुम्हारी जैसी हमारी विनोदशा होगी, अरे इसी में हमको डूब जाओगे, तो हमें सब कुछ नहीं चाहिए। अरे आपको कुछ नहीं चाहिए, हमारे संतोष के लिए कोई सेवा तो बताओ, या सेवा करना चाहते हो तो मेरा खाता खोल के बताओ, मेरी आयु कितनी बाकी है, मेरी आयु कितनी बाकी है, मेरे जीवन दो घड़ी, बस दो घंटे 48 मिनट, बस हाँ, कार्य सेवा करना चाहते हो तो जल्दी मुझे भारत माता की गोदी में पहुंचाओ, जल्दी मुझे अयोध्या में पहुंचाओ सरयू के किनारे। क्यों? अयोध्या से दूरता थी इसलिए, राजधानी है इसलिए, बोले नहीं, अयोध्या की और काशी की मर्यादा है, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। जैसे जंक्शन से गाड़ी खुलती है और एकदम सीधे जंक्शन पर पहुंचाती है, इस तरह से भारत बड़ा जंक्शन है, जहां से चाहे जहां का टिकट ले लो, पाप करके नरक का टिकट ले लो, पुण्य करके स्वर्ग का टिकट ले लो, ज्ञान साधन करके मोक्ष का टिकट ले लो, अथवा भक्ति साधन करके भगवान नाम का आश्रय करके भगवान की गोदी वाला टिकट ले लो। ये सब रास्ते मुझे प्रभु की गोद में जाना है, इसकी जल्दी मुझे अयोध्या पहुंचाओ। देवताओं ने अयोध्या पहुंचाया और खटवांगो नाम राजा से भी आपके का विहांश मोरता सर्वमुख सिंधिया गतमान अभयम भरें, सब तरफ से अपने मन को समेट लिया कछुआ के अंडों की तरह, और अंतर मुख होकर के और परमात्मा से मिले, और गले गले परमात्मा से भीतर ही भीतर मिले, और परमात्मा ने कहा चलो मेरे धाम। ये अंतिम समय का पुरुषार्थ है, जिंदगी भर जो कुछ किया अगर अंतिम समय में प्रभु की याद आई तो सब बन गया, अंत भला तो सब भला। अंतिम समय में प्रभु की याद करते हुए श्री छोड़ना चाहिए। ये श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सलाह दी और बोले कि राजन, प्रभु को स्मरण करने के दो तरीके हैं, या तो अगर मन को भीतर ले जा सको, अपने आप को अंतर्मुख कर सको, तो भीतर बैठे हुए कल्याण मित्र यही मिल जाएंगे, मोह को कहां ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं। गौर कहता है मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं कोई बात नहीं होती है, इसलिए कि बाहर झांकने में लगे हुए हो, सिनेमा के पर्दे की ओर ताक रहे हो, भाई उसका होटल की ओर ताक रहे हो, जासूसी उपन्यास की तरफ ताक रहे हो, बेगरबाजी रिवॉल्वरबाजी और किडनैपिंग की तरफ में तुम ताक रहे हो, झांक रहे हो, तो तेरा यहाँ बैठा हुआ सखा मिलेगा कैसे? बाहर ताकना छोड़ कर जरा भीतर झांको, तुम्हें गले लगाएगा, यही करना है। तुम्हारा क्या करे, नोटों का बंडल पिनने लग जाते, कूपन कहीं नहीं जाता, ये वो कम न हो जाए, वो जाते न चला जाए, लेकिन जब भजन करने बैठते तो मन दिल्ली इसकी सोचता है, मन
इधर उधर की सोचता है तो कहते हैं तो ठीक है, दोनों तरीके हैं। बच्चा कहता है कि हम बाहर जाएंगे, माँ कहती है कि गार्जियन के साथ जा। भीतर खेलना हो क्या बोलते हैं भीतर खेल, बच्चा बाहर जाने के लिए मचलता है तो खेल नहीं छोड़ा जाता है, कहीं टकरा न जा। गार्जियन बन के स्वयं जाना पड़ता है बच्चे के साथ, मन को एक गार्जियन चाहिए, आपको गार्जियन बनिए अपने मन के। भीतर अगर अंतर्मुख होकर के प्रभु को याद कर सके, उनके चरण से लेकर के उनके मस्तक तक याद कर ध्यान करूंगा। और भीतर अगर मन लगे बाहर जाए, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो बताइए मन को कि चल दिल्ली, लेकिन ये कौन दिल्ली है जानते हो, कि वही दिल्ली है जहाँ युधिष्ठिर जी की राजधानी रही है, ये पांडव नगरी है, यहाँ महीनों महीनों भगवान कृष्ण रथ के राष्ट्रीय यज्ञ कराया करते थे श्री हरे नो। तो दिल्ली की याद आकर के भी और भगवान श्री कृष्ण वहां ध्यान में आए, आकाश की तरफ ध्यान जाए तो गगन सदृशम, बादलों की ओर ध्यान जाए तो मेघ वर्णम सुभांगम, कौवा की तरफ ध्यान जाए तो काकभूषण जी, वानर की ओर ध्यान जाए तो हनुमान जी, हर जगह भगवान की स्मृति हो सकती है क्योंकि सारा संसार भगवान का ही निवास स्थान है, भगवान का एक विराट रूप है, लोगों भगवान ही इस संसार के रूप में विराजमान है। पाताल में तस्य पादमूलम् पठन्ति पार्श्वे प्रतलेन सातलम्, महातलम् विश्वश्रीयोऽथ गुरुभव करातलम् वै पुरुषस्य लिङ्गे। ये सारा ब्रह्मांड 14 तल्ले का बना हुआ है, 14 स्टोरी 14 तल्ले का बना हुआ है। हम लोग इसमें रहते हैं, बीच वाला है, इसका नाम है भू लोक, इसके ऊपर गोर लोक, स्वर्ग लोक, मार लोक, जल लोक, तप लोक, तप सत्य लोक, जहाँ हम रहते इसके सत्य लोक का दूसरा नाम ब्रह्म लोक ही है। इसके नीचे चलो अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल तप पाताल, सबसे निचला सिरा पाताल, सबसे ऊपर ला सिरा सत्य लोक तो ब्रह्म लोक। ये क्या है, जैसे हमारे शरीर में चरण सबसे नीचे है, मस्तक सबसे ऊपर है, ऐसे परमात्मा के विराट ब्रह्मांडात्मक स्वरूप में जो सबसे ऊपर प्रभु लोक है वो विराट का मस्तक है, सबसे नीचे पाताल है उस प्रभु का चरण है। वो स्वामी जी के शब्दों में पद पाताल पाताल प्रभु का चरण है, ब्रह्मलोक उनका मस्तक है, सूर्य उनके नेत्र है, चंद्रमा उनके मन है, इंद्र इत्यादि लोग पाल पाल की भुजाएं हैं, काले काले बादल भूलाले केस हैं उनके, हमारे शरीर में कठोर हड्डी होती है और विराट परमात्मा के शरीर में कठोर पर्वत एवं की हड्डियां हैं, हमारे शरीर में नसें होती हैं जिसमें रक्त प्रवाह होता है, परमात्मा के इस विराट स्वरूप में नदियां हैं जिसमें जल का प्रवाह हो रहा है, हमारे शरीर में रुमावली है और प्रभु के शरीर में ये छावली उनकी रुमावली। याद करो हर जगह प्रभु की यादगारी हो सकती है, यो हम पश्यत सर्वत्र सर्वं च वै पश्यति तस्मां पश्यामि सच में न पश्यति। श्री परीक्षित जी महाराज ने परमात्मा के इस विराट स्वरूप का वर्णन सुन करके और फिर ये सृष्टि विस्तार संबंधी जिज्ञासा आगे करेंगे, लेकिन श्री सुखदेव जी के पहले अध्याय में और बड़ी महत्व की बात बताते हैं। कहते हैं कि घर गृहस्थी में कई तरह की जरूरत पड़ती है, कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, पलट भी चाहिए, सिलाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तब कहाँ से आएगा, बाजार से, बाजार में तो एक एक दुकान पर एक एक ही सौदा मिलता है, जहां जहां से जो सौदा मिलेगा उसको खरीदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उन दुकानों पर। हमारा ऐसा सुना है कि कोई कोई जनरल मर्चेंट की दुकान होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक ही जगह जाकर के लिस्ट दे दीजिए, कोई पहले फ्री घर पर सारा सामान इकट्ठे पहुंच जाएगा। इसी तरह से संसार में जितने देवी देवता हैं
एक एक चीज की दुकान लेकर के बैठेंगे, उनकी अलग अलग आराधना करोगे तो एक एक सौदा मिलेगा। हाँ, किसी दुकान पर नमक, किसी पर हल्दी, धनिया इतना, किसी पर तेल, किसी पर कपड़ा, किसी पर लोहा, किसी पर सीमेंट, एक एक चीज की दुकान ऐसी बहुत होती है। लेकिन सारा सौदा एक ही जगह मिल जाए, ऐसे कोई डिपार्टमेंट उसको जनरल मर्चेंट की दुकान कहते हैं। इसी तरह से देवता लोग, इनका एक एक देवी देवता की आराधना करोगे तो एक एक चीज मिलेगी। इसके यहाँ क्या मिलेगा? तुम बोले की संतान की कामना हो तो प्रजापति की आराधना करो, विद्या की कामना हो तो डमरू वाले बाबा की आराधना करो, जिनके डमरू से ब्याह करके सुखने बनते हैं। सुनोगे पति चाहिए तो पार्वती जी की आराधना करो, सुंदरी पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की आराधना करो, तो कुबेर जी की आराधना करो। एक एक सौदे वाली दुकान है और जनरल मर्चेंट वाली दुकान की एक एक दुकान पर सारे सौदे मिल जाए, कोई उसके लिए परमात्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का चरण आश्रय लेना पड़ेगा। सकल सुख जो चास मन मेरो तो वजराम काम सब पूर्ण करे कृपा निखेरो सर्व धर्मान प्रति दिमागिकम शरणम भजे। इस पर गुरु जी दृष्टांत सुनाया करते थे। एक राजा ने नुमाइश लगाई, एक निजी प्रदर्शनी दरवाजे पर बैनर पर लिखवा दिया कि इसमें प्रवेश करने का अधिकार सबको है और जो सौदे पसंद आ रहे हैं उनमें से कोई एक सौदा ले सकता है। जो सौदा पसंद आए, जो लेना चाहे, उस पर हाथ रख दो, चीजें मिल जाएगी, लेकिन एक दो नहीं। उसमें प्रवेश करने वाले को सब तरह की वस्तुएं पसंद आती थी, लेकिन लिखा है कि एक ही वस्तु पर हाथ रख सकते हो। एक सज्जन थे जो चाहते थे कि सब कुछ मिल जाए, वो खड़ी सोच करके क्या करें। इतने में एक संत मिल गए, बेटा क्या सोच रहे हो? कहा बाबा पसंद सब कुछ है, लेकिन लिखा है कि एक ही वस्तु पर हाथ, एक ही पर हाथ रख सकते हो। अब एक पर हाथ रखे तो दूसरा छूटे, दूसरे पर हाथ रखे तो तीसरा छूटे। बाबा ने कहा बेटा इसमें एक ऐसा भी है जिस पर हाथ रख दो तो एक ही पर हाथ रखने से सब मिल जाएगा। बोले बताओ बाबा कौन है? कहा कि सारे कर्म मालिक है ना राजा, देखो बीच में बैठा जा उसी पर हाथ रख। हो सकता है राजा कहीं तुम्हें कोई वस्तु हो थोड़े तो कह देना कि भाई मैंने ये नहीं कहा कि राजा को छोड़कर बाकी किसी पर हाथ रख सकते हैं। उस ले जाकर के राजा पर हाथ रखा, राजा ने कहा मेरे पर हाथ क्यों रखते हो? कहा मुझे आप ही पसंद आ गए, मैं आप ही को चाहता हूँ, मैं आप ही को लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं कोई वस्तु हूँ थोड़े इस वस्तु पर हाथ रखता, कि बगैर मेरे को नहीं कहा कि राजा को छोड़ करके और किसी वस्तु पर हाथ रखा जा सकता। आप इसी नुमाइश में बैठे हैं इसलिए मैंने आप पर हाथ रखा। राजा समझ गया कि इसको कोई गुरु मिल गया है। और ठीक है, जब आपने मुझको पसंद किया तो मैं आपको मिल गया, मैं अब आपके साथ चल रहा हूँ। जब राजा जाएगा तो राजा की सारी सामग्री कहीं दूसरी जगह घोड़े पर खरीदी जाएगी, थोड़े सारी सामग्री, चलो भाई उठाओ सारा सामान ले चलो उनके यहाँ। और वो सोच रहे थे कि ये नहीं, कि ये नहीं, कि ये नहीं, तब तक सारा सामान, अरे भाई हम अभी सोच रहे थे कि ये नहीं, कि ये नहीं, तब तक ये सारा सामान कैसे उठ गया? बोले एक ऐसा ग्राहक आ गया जिसने कि सब